तो मूवी की शुरुआत होती है बर्नी से, जो कि एक मोटा तगड़ा आदमी था और वह अपने जीते हुए पैसों से थाईलैंड में एक ट्रिप मनाने के लिए आया हुआ था और अब ये एक क्लब में पार्टी कर ही रहा था कि तभी यहाँ पर इसकी नजर मिलती है एक औरत से। ये इसको खुद भी काफी देर से घूर रही थी, इसीलिए बर्नी उसके पास जाता है और इन दोनों में बात होने लगती है, जिसके बाद ये दोनों जाने लगते हैं उस लड़की के घर की तरफ, जहाँ पर जाते ही बर्नी को नींद आ जाती है। फिर जब अगले दिन इसकी आंख खुलती है तो इसे पता चलता है कि वो औरत तो इसका काट कर चली गई और साथ ही उस औरत ने बर्नी के पैसों के साथ साथ उसका पासपोर्ट और उसके कपड़े तक चुरा लिए थे। और जैसे ही बर्नी को ये सारी चीजें रियलाइज होती है, वह पहुँच जाता है पास के ही एक पुलिस स्टेशन में। अब जैसे ही सारे पुलिस वाले बर्नी को इस हालत में देखते हैं तो वो इसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, पर वहाँ पर बर्नी की मुलाकात होती है ऑफिसर पंग से, जो कि दिल के साफ इंसान थे। और जब इन्हें बर्नी के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में पता चलता है तो यह डिसाइड करते हैं कि यह बर्नी की हेल्प जरूर करेंगे, पर उसमें कुछ टाइम लग सकता था क्योंकि थाईलैंड सच में एक बहुत बड़ी कंट्री है। और यह चीज जानने के बाद बर्नी सच में काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अब इस दूसरे कंट्री में रहने के लिए उसके पास पैसे तक नहीं बचे थे। उसकी हेल्प करने के लिए ऑफिसर पंग बर्नी को एक लेटर देते हैं जो कि टूरिस्ट सेंटर के लिए था, और उस लेटर की मदद से ये कुछ दिनों तक वहां पर जाकर रह सकता था। लेकिन अभी के टाइम पर बर्नी के पास उस जगह पर पहुंचने तक के पैसे नहीं थे। ये चीज देखते हुए ऑफिसर पंग इसको 50 रुपये देती हैं ताकि यह उनकी मदद से उस जगह पर पहुंच सके। पर बर्नी की किस्मत इतनी ज्यादा खराब होती है कि जब वो वहां पर जाता है तो इसे पता चलता है कि टूरिस्ट सेंटर ही कुछ दिनों के लिए बंद हो रखा है, इसीलिए यह चुपचाप सड़क पर बैठ जाता है। अब बर्नी यहां पर आराम से अपने ख्यालों में खोया ही हुआ था कि अचानक से ही हम लोग एक लड़की को देख पाते हैं जिसके पीछे कुछ गुंडे लगे हुए थे, और यह लड़की भाग कर आती है और बर्नी के पीछे छुप जाती है। बर्नी अपने ख्यालों में इतना ज्यादा खोया हुआ था कि उसे इन सब चीजों के बारे में होश ही नहीं रहता। इतने में ही यहाँ पर वो सारे गुंडे आ जाते हैं जो कि बर्नी से उस लड़की के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। बर्नी, जिसको इन सब चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं था, वो गुंडों से झूठ बोलने लगता है कि उसने किसी भी लड़की को नहीं देखा। लेकिन इतने में ही वो लड़की जिसका नाम कैट था, वो बर्नी के पीछे से बाहर आती है और वो गुंडे भी उसे देख लेते हैं, जिसके बाद वह बर्नी और साथ ही उस लड़की की बहुत बुरी तरह से धुलाई करते हैं। अब वैसे तो बर्नी दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक था, लेकिन जिस तरह का वो दिखा करता था वो असल में अपने व्यवहार में उस चीज का पूरी तरह से उल्टा था। कहने का मतलब कि जितना खतरनाक वह दिखा करता था, असल में वह उतना ही ज्यादा डरपोक था, और इसी बात का फायदा उठाते हुए वह सारे के सारे गुंडे कैट और साथ ही बर्नी को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर इनकी मदद करने के लिए डोकिया पहुँच जाती है जो कि कैट की बहन थी, और इसी बात के पीछे वह इन सभी गुंडों को बहुत बुरी तरह से मारती है। और अब डोकिया उन सभी गुंडों को वहाँ से मारकर भगा देती है, जिसके बाद वह कैट से पूछती है कि आखिरकार वह लोग उसका पीछा क्यों कर रहे थे। जवाब में कैट बोलती है कि मुझे इस चीज का कारण नहीं पता। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि वह डोकिया से छुपाते हुए कुछ अपने पर्स में डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन डोकिया का ध्यान उस तरफ नहीं जाता। फिर जब यह लोग घर की तरफ जाने लगते हैं, तभी इनके पास बर्नी आता है जो कि डोकिया को उसका वो सामान वापस करता है जो कि लड़ाई के दौरान डोकिया के हाथों से गिर गया था। तब डोकिया नोटिस करती है कि बर्नी के सर से खून निकल रहा है, और इसीलिए ये लोग इसे पास के टेंपल में लेकर चले जाते हैं जहां पर और भी बच्चे रहा करते थे। अब वहां पर पहुंचने के बाद ये लोग बर्नी को सभी बच्चों से मिलवाते हैं और उसके बाद वहां के मॉन्क से। फिर जब मॉन्क को बर्नी की हालत के बारे में पता चलता है तो वह बर्नी को यहां पर रुकने की परमिशन दे देता है। साथ ही वो कैट से बर्नी के लिए कुछ कपड़ों का इंतजाम करने के लिए भी बोलता है, जिसके बाद यहां से कैट और डोकिया भी अपने घर की तरफ चले जाते हैं, जहां पर जाने के बाद इनकी मॉम इन्हें बहुत बुरी तरह से डांटती है क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि इन दोनों ने आज लड़ाई करी थी। और तब उनका गुस्सा शांत करवाने के लिए इन दोनों को यहाँ पर वादा करना पड़ता है कि आज के बाद ये दोनों कभी भी लड़ाई नहीं करेंगी। वहीं हम लोग बर्नी को देख पाते हैं जिसके खर्राटों की वजह से बाकी सारे बच्चे नहीं सो पा रहे थे, इसीलिए वो बर्नी को लाउड स्पीकर की मदद से सुबह सुबह उठा देते हैं। और अब उठने के बाद बर्नी यहाँ पर मॉन्क्स के कुछ काम करने में मदद कराता है, जिसके बाद यह लोग लंच करते हैं। अब बर्नी को वहाँ पर रहते हुए कुछ टाइम बीत गया था और उसे वहाँ पर रहना काफी ज्यादा पसंद आ रहा था। इसी के साथ एक दिन हम लोग देख पाते हैं कि कैट इसको अपने साथ अपनी मॉम के रेस्टोरेंट में लेकर जाती है, और जब डोकिया की मॉम बर्नी को देखती है तो वह काफी ज्यादा अजीब फील करती है क्योंकि वह उसके सामने काफी ज्यादा छोटी थी। लेकिन बर्नी के वहां पर आने की वजह से वह सच में काफी ज्यादा खुश थी, इसीलिए वह उसे पाया चाट बनाकर खिलाती है जो कि सच में काफी ज्यादा स्पाइसी थी। लेकिन स्पाइस बर्नी के ऊपर कुछ अजीब ही असर करते थे। उसे अचानक से ही बर्नी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वह पूरे रेस्टोरेंट को ही तबाह कर देता है। लेकिन जैसे ही उसे पानी मिलता है वह तुरंत ही शांत हो जाता है, और उसके बाद उसे बहुत ज्यादा पछतावा होता है कि उसने कैट की मॉम का रेस्टोरेंट बर्बाद कर दिया। तब यहाँ पर बर्नी काफी बार सॉरी बोलता है,
ताकि वह अपनी गलती को माफ करवा सके, पर उसकी गलती माफ करने लायक नहीं थी। इसीलिए तब बर्नी डिसाइड करता है कि वह कुछ पैसे कमाएगा ताकि वह रेस्टोरेंट को पहले जैसा कर सके, और पैसे कमाने के लिए ही यह एक फाइट क्लब को ज्वाइन करने का डिसाइड करता है। लेकिन यह फाइट क्लब को ज्वाइन नहीं कर सकता था क्योंकि इसे लड़ना नहीं आता था। इसीलिए तब डोकिया इसे लड़ना सिखाने लगती है और धीरे धीरे यह लोग बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब वैसे तो बर्नी अपनी पूरी मेहनत कर रहा था, लेकिन उसका बड़ा शरीर उसको लड़ाई में मदद ना करने के अलावा उसे सारे के सारे काम करवा सकता था। इसीलिए हम लोग देख पाते हैं कि यह सारी मुश्किल से मुश्किल काम तो कर लेता है, पर यह वहाँ के बच्चों तक से अभी भी हार जाता है। अब वहीं हम लोग एक बहुत बड़े लॉकर को देख पाते हैं जहाँ पर एक बहुत कीमती डायमंड को रखा हुआ था, लेकिन अभी के टाइम पर वो डायमंड वहाँ से चोरी हो गया था और यही खबर हर जगह टीवी में दिखाई जा रही थी। आगे हम लोग तीन चोर को देख पाते हैं जिन्होंने ही उस डायमंड को चुराया था, और अब ये लोग उस डायमंड को एक बॉक्स में रखते हैं जो कि एक स्पेशल क्रिस्टल से ही खुला करता था, जिसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये इस डायमंड को बेचने के बाद पैसे लेंगे और उसके बाद कभी भी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। अब इन्हें उस डायमंड को बेचने के लिए चार दिन बाद जाना था, इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि यह चार दिन तक इसी शहर में मौज मस्ती करेंगे। दूसरी तरफ हम लोग डोकिया को देख पाते हैं जो कि बर्नी को योंग के पास लेकर आई थी, जिसकी एक खुद की रिंग थी जहां पर वो लोगों की फाइट कराता था। अब डोकिया के कहने पर यहां पर योंग बर्नी को भी रिंग में लड़ाई करने देता है, पर पहली ही फाइट के दौरान बर्नी बहुत बुरी तरह से पिटता है, जिससे डोकिया और साथी कैट को समझ में आ जाता है कि बर्नी को शायद रिंग में नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन बर्नी का मूड इस सबसे सच में काफी ज्यादा खराब हो गया था, क्योंकि पहला तो वह रेस्टोरेंट की मदद करना चाहता था और दूसरा खुद के लिए भी कुछ पैसे जमा करना चाहता था। जहां पर ये लोग बातें करते हुए घूमने लगते हैं, अब बर्नी इन लोगों के साथ घूम ही रहा था कि तभी अचानक से इसकी नजर उस लड़की पर पड़ती है जिसने इसका पासपोर्ट और साथ ही इसके पैसे चुराए थे। अब बर्नी को देखते ही वो औरत वहां से भागने लगती है, तब बर्नी भी उसका पीछा करता है। रास्ते में ही हम लोग डिटेक्टिव पंक को भी देख पाते हैं जो कि जब बर्नी को एक औरत के पीछे भागता देखता है तो वो भी बर्नी का पीछा करने लगता है। अब वो औरत भागती हुई एक अजीब से केबिन में पहुंच गई थी जहां पर इसका एक साथी बहुत सारे फेक पासपोर्ट्स बना रहा था, और इतने में ही यहां पर मिस्टर पंग भी पहुंच जाते हैं जो कि इन सभी लोगों को अब गिरफ्तार करने वाले थे, और अब वो सारे के सारे क्रिमिनल मिलकर मिस्टर पंग के ऊपर हमला कर देते हैं। ये चीज देखते हुए मिस्टर पंग भी इन सब से लड़ाई कर रहे थे, और इसी बीच बर्नी को टाइम मिल गया था कि वो कैट से बोल सके कि कैट उसका पासपोर्ट ढूंढ दे। अब कैट भी वहां पर बर्नी का पासपोर्ट ढूंढने लगती है जो कि उसे कुछ देर में मिल भी जाता है, पर वो बर्नी के सामने ऐसा दिखाती है कि वह किसी और का पासपोर्ट था, जिसके बाद वह बर्नी के पासपोर्ट को अपने बैग में रखती है और यहां से निकल जाती है। अब आगे हम लोग कैट और साथ ही डोकिया को एक बीच पर बैठे हुए देखते हैं जहां पर यह लोग आज होने वाली फाइट के बारे में बात कर रहे थे। अब वो फाइट रात में होने वाली थी, पर क्योंकि डोकिया जानती थी कि उसकी मॉम उसे फाइट में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगी, इसीलिए वो उन्हें मनाने का सोचती है, और इसके बाद ये अपनी मॉम से झूठ बोलकर बर्नी को लेते हुए सीधा पहुंच जाते हैं फाइट क्लब में, जहां पर हम लोग देख पाते हैं कि डोकिया वहां पर लड़ाई करने वाली थी। अब योंग ने ही यहां पर डोकिया की फाइट को फिक्स करवाया था, इसीलिए शुरुआत में ही उसके पास सारा का सारा अमाउंट आने वाला था। और यहीं पर हम लोग उन तीन चोरों को भी देख पाते हैं जिन्होंने उस नेकलेस को चुराया था, और वह भी इस लड़ाई का मजा ले रहे थे। अब लड़ाई चालू होती है, और अब हम लोग देख पाते हैं कि डोकिया की लड़ाई होने वाली है योंग के ही एक फाइटर से, जो कि सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था। अब पहले राउंड में तो डोकिया इसको बहुत बुरी तरह से मारती है, लेकिन यह खुद भी काफी ज्यादा घायल हो गई थी, इसलिए यहाँ पर कैट उससे बोलती है कि शायद इन्हें घर वापस चलना चाहिए, लेकिन डोकिया ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है क्योंकि उसे पैसों की सच में काफी ज्यादा नीड थी। अब दूसरा राउंड चालू होता है, और अब हम लोग देख पाते हैं कि राउंड के चालू होने से पहले योंग ने अपने फाइटर को एक ब्लेड दे दिया था, जिसकी मदद से योंग का फाइटर डोकिया को बहुत बुरी तरह से मारता है, और डोकिया की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। अचानक से ही डोकिया की आंखों के सामने उसकी मॉम का चेहरा आता है, और वो डिसाइड करती है कि वो अपनी मॉम के लिए रेस्टोरेंट बनाकर रहेगी। इसीलिए वो खड़ी होती है और योंग के फाइटर को बहुत बुरी तरह से मारती है। फिर जब योंग देखता है कि चीटिंग करने के बावजूद भी उसका फाइटर नहीं जीत रहा, तो वह तुरंत ही मैच को ड्रॉ करवा देता है, जिससे डोकिया जीत तो जाती है पर उसे वो अमाउंट नहीं मिलता जो उसे मिलना चाहिए था। और ये सारी चीजें देखने के बाद बर्नी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसीलिए वह योंग के सामने आता है ताकि वह उसे मजा चखा सके। पर क्योंकि योंग जानता था कि बर्नी सिर्फ शरीर से बड़ा है, इसीलिए वह अपने साथियों को बुलाकर इसे बहुत बुरी तरह से पिटवाता है। अब यहाँ से पिटने के बाद जब ये लोग इस हालत में घर पहुँचते हैं, तो कैट की मॉम यहाँ पर इन तीनों के ऊपर ही काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है, और साथ ही वह काफी ज्यादा दुखी भी हो गई थी। ये चीज देखते हुए कैट उनसे प्रॉमिस करती है कि आज के बाद वो कभी भी किसी भी लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, और साथ ही वो डोकिया से भी ऐसा करने को बोलती है। लेकिन डोकिया, जो कि सच में एक फाइटर बनना चाहती थी,
वो यह प्रॉमिस नहीं कर पाती, इसीलिए वह रोती हुई बीच की तरफ भाग जाती है, जहां पर तुरंत ही कैट भी इसके पीछे आती है और साथ ही बर्नी भी। तब कैट तुरंत ही उसको हग करती है और उसके बाद उससे बोलती है कि शायद उसे मॉम की बात को मान लेना चाहिए। और अब डोकिया भी इसकी बात को मानने के लिए तैयार हो गई थी, इसीलिए तब बर्नी भी डिसाइड करता है कि वो फिश मार्केट में काम करके इन लोगों की मदद करेगा। इसीलिए अगले दिन वो भी फिश मार्केट को ज्वाइन कर लेता है और पैसे कमाने के लिए निकल पड़ता है। और अब धीरे धीरे ये लोग पैसे कमा कर वापस से रेस्टोरेंट को पहले जैसा करने लगते हैं। अगले दिन हम लोग डोकिया को देख पाते हैं जो कि सामान लेने के लिए मार्केट में गई हुई थी, और तभी यहाँ पर वो फाइटर आ जाता है जिसको डोकिया ने लड़ाई में हराया था। इसी वजह से वो डोकिया से पंगे लेने लगता है, पर डोकिया इस बार कुछ भी नहीं करती क्योंकि इसने अपनी मॉम से वादा करा था कि यह कभी भी लड़ाई नहीं करेगी। पर जब वो फाइटर इसकी मम्मी के बारे में ही उल्टा सीधा बोलने लगता है, तब डोकिया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह इन सभी लोगों से लड़ाई करने लगती है। तभी अचानक से ही यहाँ पर एक लड़की और आ जाती है जो कि वहीं पर कद्दू बेच रही थी, और तब वो डोकिया की मदद करती हुई सभी फाइटर को मारकर वहां से भगा देती है, जिसके बाद यहां पर सभी लोग ताली बजाने लगते हैं और साथ ही डोकिया के रेस्टोरेंट का भी प्रमोशन हो जाता है, जिससे इनके बिजनेस में भी मुनाफा होने लगता है। दूसरी तरफ हम लोग उन तीन चोरों को देख पाते हैं जिनसे वो क्रिस्टल गुम गया था, जिसकी मदद से वो उस बॉक्स को खोलने वाले थे। और अभी के टाइम पर बस इन्हें इतना याद था कि आखिरी बार इन्होंने उस क्रिस्टल को उस दिन देखा था जिस दिन ये लोग फाइट को देखने के लिए गए थे। इसीलिए तब वो पहुंच जाते हैं उसी क्लब में जहां पर उस रात फाइट हो रही थी, जहां की सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद इन्हें पता चलता है कि एक लड़के ने इनका कुछ सामान चुरा कर एक लड़की को दिया था, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कैट थी। वहीं हम लोग कैट को देख पाते हैं जो कि अपनी पूरी फैमिली और साथ ही बर्नी के साथ डोकिया का बर्थडे मना रही थी, जहां पर ये डोकिया को एक बहुत अच्छा सा नेकलेस गिफ्ट करती है जो कि उसी क्रिस्टल का था जिसकी मदद से वो बॉक्स खोल सकता था। और इस बात से अनजान ये नेकलेस वो डोकिया को दे देती है, साथ ही वो बर्नी के लिए भी कपड़े लेकर आई थी। अब बर्नी भी इस चीज से काफी ज्यादा खुश होता है। अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि बर्नी, कैट और साथ ही डोकिया तीनों घूमने के लिए जाते हैं, पर अचानक से ही इनके सामने एक वैन आकर रुकती है जिसमें से सारे आदमी निकलकर इन तीनों को उस वैन में बिठाकर ले जाते हैं। अब यह सारे लोग इन तीनों को उन तीनों चोरों के पास लेकर आ गए थे जिन्होंने उस नेकलेस को चुराया था, और इन तीनों में से एक चोर जिसका नाम रायन था, वो इन सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता है और बार बार इनसे नेकलेस के बारे में पूछने लगता है। पर इन तीनों में से किसी को भी उस नेकलेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन यह सब देखने के बाद रायन को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही डोकिया के पेट में लात मार देता है, जिससे अचानक से ही उसके गले में चमकता हुआ पेंडेंट उसे दिखता है और उसको वह पहचान लेता है। तब रायन उस क्रिस्टल को ले लेता है, लेकिन तभी गोजो इसके सर के ऊपर बंदूक तान देता है क्योंकि उसने यहाँ के क्लब ऑनर के साथ पहले ही एक डील को डन कर लिया था। इसका मतलब साफ था कि रायन के साथ ही उसको धोखा देने वाले थे, इसीलिए रायन तब अपना दिमाग लगाता है और बहुत जोर से डोकिया के पेट में लात मारता है, जिससे डोकिया का मुंह खुल गया था। और अब रायन उस क्रिस्टल को डोकिया के मुंह में डाल देता है, और अब यहाँ पर डोकिया के पीछे लड़ाई होने लगती है। तब डोकिया यहाँ पर रायन को पंच करती है और यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। तब यहाँ पर गोजो और साथी इसके पीछे जाते हैं। तब वो यहाँ पर बर्नी और कैट की देखभाल करने के लिए कुछ आदमियों को यहाँ पर छोड़ने के बाद क्लब ऑनर के साथ एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। इसके थोड़ी ही देर बाद ये लोग डोकिया को पकड़कर अपने साथ एयरपोर्ट की तरफ ले जाने लगते हैं। अब उस घर में हम लोग देख पाते हैं कि बर्नी और कैट अपना कुछ दिमाग चलाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक से ही कैट को कुछ याद आता है और वो तुरंत ही यहाँ पर बर्नी को कुछ स्पाइसी चीजें खिला देती है, जिससे बर्नी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वह पूरा लाल होकर यहाँ पर सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता है। और अब यहाँ पर बर्नी सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मारने के बाद कैट को लेता हुआ सीधा पहुँच जाता है एयरपोर्ट, जहाँ पर यह बाकी सारे लोगों से लड़ाई करने वाले थे। अब हम लोग वापस से डोकिया को देख पाते हैं जो कि उन लोगों की पकड़ से छूटकर भागने लगती है, और वह लोग भी इसका पीछा कर रहे थे। इतने में ही यहाँ पर बर्नी पहुँच जाता है। वहीं हम लोग कैट को भी देख पाते हैं जो कि बर्नी को और ज्यादा सुपर स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ स्पाइसी चीजें लेकर आई थी। यहीं पर योंग भी आ जाता है जो कि बर्नी को मारना चाहता था, इसीलिए वह अपने तीनों साथियों को वापस से बर्नी को मारने के लिए बोलता है, जो कि बर्नी को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। लेकिन सही टाइम पर कैट यहाँ पर बर्नी को वो सारी की सारी स्पाइसी चीजें खिला देती है, जिससे बर्नी और ज्यादा सुपर स्ट्रांग हो गया था। तब वो यहाँ पर सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता है, लेकिन अभी के टाइम पर वापस से गोजो डोकिया को पकड़ लेता है और साथ ही वो बर्नी के भी कंधे पर शूट कर देता है
और तब ये लोग डोकिया को गन पॉइंट पर लेकर अपने साथ प्लेन में ले जाते हैं और प्लेन को टेक ऑफ करने लगते हैं। पर तभी हम लोग बर्नी को देख पाते हैं जो कि भागता हुआ प्लेन के सामने आ जाता है और अब यह भागता हुआ सीधा प्लेन के ऊपर जंप कर देता है जिसकी वजह से यह सीधा कॉकपिट में घुस गया था। वहीं हम लोग डोकिया को देख पाते हैं जो कि मौका पाते ही इन सभी लोगों को मारने लगती है। इतने में ही यहाँ पर रायन पहुँच जाता है जो कि पहले अपने साथियों से बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो उनके ऊपर टूट पड़ता है। इतने में ही यहाँ पर पुलिस पहुंचकर इन सभी लोगों को पकड़ लेती है। पर हम लोग देख पाते हैं कि बर्नी की हालत सच में काफी ज्यादा खराब हो गई है, इसीलिए तब यहाँ पर कैट उसे उसका पासपोर्ट वापस कर देती है और इसे बताती है कि इसने इस पासपोर्ट को इसीलिए चुराया था क्योंकि यह नहीं चाहती थी कि बर्नी वापस से अपने घर में जाए। तब बर्नी अपने पासपोर्ट को उठाता है जिसके अंदर कैट ने एक ड्राइंग बनाकर रखी हुई थी जिसमें उसने अपनी फैमिली के अंदर बर्नी को भी बनाकर रखा हुआ था, जिसे देखने के बाद यह काफी ज्यादा खुश होता है और अब यह उठ खड़ा होता है, जहां हम लोग कुछ समय बाद का सीन देख पाते हैं कि डोकिया अब अपने मम्मी के रेस्टोरेंट में उनकी मदद कर रही है, साथ ही वह फाइटिंग भी करती है और कैट जिसको बर्नी के साथ रहना पसंद था, बर्नी उसको अपने साथ अपने घर ले गया है जहां पर वह उसका बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही ख्याल रखता है और साथ ही उन्होंने वहां पर एक रेस्टोरेंट खोला है जिसको वह लोग बहुत खुशी खुशी चलाते हैं। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।